रणबीर कपूर इस समय अपनी पत्नी आलिया भट्ट पर अपनी हालिया टिप्पणी के कारण तूफान की नजरों में हैं। रणबीर कपूर ने लाइव चैट के दौरान पत्नी आलिया भट्ट की प्रेग्नेंट बॉडी पर एक कमेंट किया था, जिसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। अब अपने इस कमेंट को लेकर रणबीर कपूर की प्रतिक्रिया सामने आई है। रणबीर कपूर ने अपने इस बयान के चलते फैंस से माफी मांगी। बुधवार को रणबीर चेन्नई में SS राजामौली और नागार्जुन के साथ ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन करते दिखे। आखिरकार उन्होंने वहाँ मीडिया से बात करते वे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत के दौरान रणबीर से पूछा गया कि क्या वो अपनी टिप्पणी स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि लोग उनसे काफी नाराज हैं। उन्होंने तुरंत माफी मांगी और यह भी स्वीकार किया कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही खराब है। रणबीर ने कहा, हाँ मैंने ऐसा कहा था। सबसे पहले तो मैं अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और उस पर क्या हुआ मुझे लगता है कि यह एक मजाक है जो मजाकिया नहीं निकला। अगर मैंने किसी को उकसाया है तो मैं वास्तव में माफी मांगना चाहता हूँ। यह मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूं जो नाराज हैं या उत्तेजित हो गए हैं। मैंने इसके बारे में आलिया से बात की और वह वास्तव में इस पर हंसी और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब है और कभी कभी यह मेरे ही चेहरे पर गिर पड़ता है, इसलिए मुझे खेद है कि मैंने इसके बारे में किसी को ठेस पहुंचाई है। दरअसल यूट्यूब पर एक लाइव सेशन के दौरान रणबीर ने आलिया को बॉडी शेम किया, क्योंकि उन्होंने उसे बताया कि वह अपने बेबी बम को देखते हुए फेलो है। यही सब बातचीत के बीच रणबीर यह कहते हुए बाधित करते हैं कि मैं देख सकता हूं कि कोई और है जो काफी फैल रहा है। रणबीर का यह जवाब सुनकर आलिया शॉक रह जाती हैं और अपने बेबी बम को देखती हैं और फिर रणबीर को हैरानी से देखती हुई नजर आती हैं। आलिया और रणबीर जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इसी साल अप्रैल में शादी की थी। दोनों पहली बार ब्रह्मास्त्र में स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए दिखाई देंगे। इसमें अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय भी हैं। यह फिल्म 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है।